डियर स्टूडेंट, आज मैं मैथ का नेक्स्ट पार्ट लेकर के वीडियो आया हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 इक्वल टू 2 के पावर एक्स 3 के पावर वाई है, तो एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं 72। अब 72 को हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। 72 को क्या करेंगे तो गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 36 दूना 72 दो बार में कट जाएगा, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तरीके 9। अब देखिए यहाँ 2 कितना है, तो 2 3 है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, गुने 3 कितने हैं तो 2 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ देखिए अगर 2 का पावर x है तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी पावर पावर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ 3 का पावर 2 है तो y का पावर हो जाएगा 2। तो अब बताइए कि x माइनस वाई कह रहा है, x माइनस वाई पावर x है, तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है तो 3 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 का पावर वाई है तो यहाँ 3 का पावर कितना है 2, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब बताइए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन तो 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 120 इक्वल टू 2 के पावर एक्स गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी कि अब हम यहाँ 120 का गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 120 का करेंगे तो 2 से 6 दूना 12, यानी 60 दूना 120, फिर 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x कह रहा है, तब यहाँ देखेंगे कि यहाँ x किस में है तो 2 के पावर में है, तो हमको सिर्फ 2 का माइंड करना है, यानी 2 कितना है तो 3 वो है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ 2 के पावर x है, अब एक सर हाँ 2 के पावर x है, अब x का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आपका 3 किस में है, तो 3 है 3 ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 120 वाले क्वेश्चन, मतलब 120 इक्वल टू 2x गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 का वैल्यू, यानी कि यहाँ x इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 96 इक्वल टू 2 के पावर एक्स गुने 3 के पावर वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। अब सेम कंडीशन है यहाँ 96 का, जब गुणनखंड करेंगे देखिए काटिए 2 से 4 दूना 8 कितना बचे 1, यानी कि 8 दूना 16, 48 दूना 96 हो जाएगा 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से कितना 6 दूना 12, फिर 2 से कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे यानी 2 कै गो है 1 2 3 4, 1 5, 2 कितना हो गया 5, और 3 कितना है 1। अब देखिए यहाँ देखेंगे कि 2 5 गो है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, और 3 कै गो है तो 1 3 1 है। अब कह रहा है कि देखिए x प्लस वाई, यानी कि ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ ऊपर कितना है 5, यह कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 किस में है तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
72 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का गुणनफल। अब इसका घात का गुणनफल बताना है, इसका घात का गुणनफल कितना होगा, चलिए देखते हैं घात का गुणनफल कितना होगा। पहले 72 को गुणनखंड करेंगे तो 72 को कीजिए 2 से, 36 दुना 72 2 से, 18 दुना 36 फिर 2 से, 9 दुना 18 फिर 3 से, 3 तरीके 9। अब क्या करा घात का गुणनफल, तो भाई बताइए तो 2 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, तो घात कौन है 2 है और सॉरी 3 है और कितना है 2 है, और जब ये दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 दुना के 6, यानी 72 अब कितना आ जाएगा जी तो 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 किस में है, ऑप्शन नंबर जो 6 है इस क्वेश्चन का दूसरा में है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करें 96 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि 96 तो घात का योग, तो 96 को पहले गुणनखंड करेंगे 2 से, 4 दुना 8 8 दुना 16 फिर 2 से, 24 दुना 48 फिर 2 से, 12 दुना 24 फिर 2 से, 2 छक 12 फिर 2 से, 2 तीय 6, यानी कि यहाँ देखिए 5 का पावर हो जाएगा 2 का एगो है 5 हुआ है तो 5 हो जाएगा, अब गुने यहाँ 3 का एगो है 1 है 3 तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है कि घात का योगफल बताना है, अब बताइए यहाँ घात का क्या बताना है, योगफल बताना है, तो वो सॉरी देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक संख्या के घात का योगफल, तो जब हम यहाँ घात निकाले तो 2 क्या आएगा तो 5 आया, और 3 कितना आया तो 1 आया, देख लीजिएगा वीडियो में, यानी 2 आया 5 को और 3 आया 1 को 1, तो इसका घात कितना है देखिए 5 है और कितना है 1 है, जब घात का योगफल करें यानी कि जब घात को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, घात का योग कर रहा है, तो पहले उसको गुणनखंड करेंगे, इसके बाद अगर 2 के 5 आया तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 3 1 आया तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।